घटना है बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के जंक्शन रोड की, जहां पर स्कूल से लौटते वक्त किया गया भट्टे मालिक के नाबालिग पुत्र के अपहरण का प्रयास। नाबालिग से उसके पिता का परिचित बनकर मिला था बाइक सवार आरोपी। नाबालिग के सवालों पर लड़खड़ाई आरोपी के जवान। पीड़ित के सहपाठियों को आता देख आरोपी हुआ फरार। कार्रवाई की गुहार लेकर पिता के साथ कोतवाली पहुंचा नाबालिग। जांच में पुलिस। क्या नाम है आपका? खुर्जा कोतवाली है, शिकायत लगा, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम आयुष सिंह है, मैं अपने स्कूल से निकला था सरस्वती विद्या मंदिर से, और स्कूल से आगे पंचवटी सोसाइटी है, उसके बीच में एक भैया आए मेरे पास बाइक लेके। वो मेरे से कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है तुमको, चलो मेरे साथ, और हमारा फार्म है पॉलिट्री फार्म, वहाँ पे कह रहे थे कि तुम्हें फार्म पे बुलाया है तुरंत तुम्हारे पिताजी ने। फिर मैंने पूछा आप कैसे जानते हो, तो बोले तुम अजीत पट्टे वालों के ही तो बेटे हो। मैंने बोला हाँ आपको क्या काम है, तो कहते हैं तुम्हें बुलाया है आपके पिताजी ने। मैंने पूछा मेरे को तो आज तक ऐसे कभी बुलाया नहीं है स्कूल से, और ना कभी ना उन्हें टाइम पता है मेरे स्कूल का, ना मुझे ऐसे कभी कोई बुलाते हैं स्कूल से छोटे कामों के लिए। तो बार बार उनका ये कहना था तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें बुलाया है तुरंत बुलाया है। तो मैंने उनसे पूछा आपको किसने कहा था, उन्होंने बोला मुनीम जी ने मेरे को आपका बताया था, आपके जो भट्टे में मुनीम है, और आपके पिताजी ने मुनीम जी ने कहा होगा, और फिर आपके पिताजी से मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को आपके पास भेजा है। तो मैंने पूछा हमारे भट्टे कहाँ कहाँ हैं, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा क्या क्या है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत बताई, और हम मेरे परिवार में मेरे चाचा ताऊ ऐसे बोल रहे थे तुम्हारे ताऊ जी का नाम है, मेरे ताऊ जी नहीं है, और अशोक नाम बता रहे थे मेरे ताऊ जी का। मैंने बोल दिया आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो। फिर आगे मेरे थोड़े दूर दोस्त थे मेरे 50-60 मीटर दूर, उन्होंने आवाज़ लगाई क्यों खड़े हो, क्यों खड़ा है तुम वहाँ पे, चला आगे जल दिया। तो फिर उसके बाद वो तुरंत चला गया। किस चीज़ पे था? बाइक थी स्प्लेंडर। कितने लोग थे वो? अकेला था। तो आप शिकायत दे दिया आपने कोतवाली? हाँ जी, शिकायत करने आए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।